यूपी के जेवर गांव में रहती है धनवती दीदी। वो सिर्फ पैसे से ही धनवती नहीं है पर दिमाग से भी है। पढ़ी लिखी शहर घूमी हुई, हिसाब किताब की बिल्कुल पक्की। गांव में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो सीधा धनवती दीदी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। पर दीदी के साथ फ्री में मिलती है सलाह देने वाली। स्कूल की छुट्टी के बाद दीदी की पूछ 11 साल की बातूनी बेला। छोटी है पर सबकी दादी है। जो भी दीदी बोले उस बात को मजे से समझाती है। ये दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी खूब है। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक। और तुम बताओ धनवती, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ काकी। काकी, आपको माइक्रो फाइनेंस के बारे में मुझसे कुछ पूछना था, बताइए आपको क्या पूछना है। हमारे गांव के लोग माइक्रो फाइनेंसिंग से कर्ज लेते हैं, हमें भी कर्ज की जरूरत थी, पर इसमें कुछ ऐसा है जिसे जानना जरूरी है। अब सच पूछो तो हमें तो कर्ज और ऋण के नाम से ही डर लगता है। कर्ज से डर काकी? अरे काकी, ऋण मेरा मतलब कर्ज कोई भूत है क्या जो यह डराता है? और कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सुरक्षित होता है। काकी, वित्तीय संस्थाएं भारत के मुख्य बैंक यानी भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा कायदे कानून के अनुसार चलती हैं। ये औपचारिक संस्थाएं होती हैं। बस कर्ज लेने से पहले उसकी शर्तों को ध्यान से समझना चाहिए, और वैसे भी एक उपभोक्ता के क्या अधिकार होते हैं ये तो जानना ही चाहिए। और काकी, अपने जीवन में कर्ज की तरफ बढ़ने से पहले कुछ 10 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 10 बातें? कौन सी 10 बातें? वो 10 बातें इस तरह से हैं। पहला, क्या कर्ज का इस्तेमाल उसी काम के लिए किया जाएगा जिसके लिए कर्ज लिया जा रहा है? दूसरा, क्या कर्ज देने वाला जितना कर्ज चाहिए उतना कर्ज देने के लिए तैयार है? तीसरा, तय ब्याज दर लगाई जानी है या नहीं? चौथा, ब्याज को गिनने का तरीका क्या होगा? पांचवा, ऋण पर क्या कोई और प्रभार लगाया जाना है? छठा, कर्ज लेने के लिए जो गारंटी दी गई है उसका मूल्य क्या है? सातवा, कर्ज अदा करने की अवधि यानी समय सीमा क्या है? आठवां, किस्त की राशि। नंबर 9, ऋण की वसूली कैसे की जाएगी, और अगर आपकी कुछ शिकायत हो तो उसके लिए शिकायत तंत्र क्या होगा? क्या आपको उस बैंक माइक्रो फाइनेंस संस्था के ब्रांच में जाना होगा, या उस संस्था का कोई ऐसा नंबर जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? और अगर संस्था का कोई कर्मचारी आपको किसी तरह से परेशान करता है तो भी उसके लिए नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि MFIS यानी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कर्ज देने के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं लेते। नंबर 10, आखिरी पर सबसे जरूरी ये है कि हमेशा कर्ज औपचारिक संस्थाओं से ही लें, जैसे कि बैंक और MFI। और आप सब इस बात का ध्यान रखें कि कर्ज उतना ही लें जितने की जरूरत हो, और एक कर्ज को चुकाने के बाद दूसरा कर्ज लें, नहीं तो आप मानसिक तनाव में आ जाएंगे और इससे कई तरह की आपके शरीर में भी बीमारियां हो जाएंगी, घर में भी समस्या पैदा हो जाएंगी। क्यों, मैंने सही कहा ना काकी? हाँ, कहा तो सही आपने बिल्कुल। चलिए, अब मैं आप सबको स्वयं सहायता समूह की कहानी सुनाती हूँ। इस समूह में जाकर मुझे जानकारी मिली कि अगर हम सब इकट्ठे होकर काम करें तो काफ़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इन समस्याओं का हल कैसे निकल सकता है दीदी? समस्याओं का हल निकालने के लिए धनवती हमें कहानी सुनाएंगी। हाँ, सही कहा। एक दिन मैं स्वयं सहायता समूह गई तो वहाँ पर कैसी हो जकिया और राधा? हम ठीक हैं दीदी, आज इधर कैसे आना हुआ आपका? अरे, आजकल तुम्हारे स्वयं सहायता समूह की बहुत चर्चा है गांव में। सुना है तुम्हारे समूह ने मिलकर अपनी मशरूम की खेती और बिक्री भी शुरू कर दी है। जरा मुझे भी बताओ अपने समूह की सफलता की कहानी। अरे दीदी, आप ही की पैसों की पाठशाला से हम सब महिलाओं ने ये सीखा कि आर्थिक सशक्तिकरण कितना जरूरी है, खासकर हमारे लिए। बस हमने फिर एक समूह बनाया, महाशक्ति। पहले तो समूह की 15 महिलाओं ने 200 रुपए की बचत हर महीने करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमने बचत बढ़ाकर 500 रुपए महीना कर दिया। इसी बचत से हमने समूह की महिलाओं को जरूरत पड़ने पर कर्ज देना भी शुरू किया, कुछ ब्याज पर।
दीदी पर हमने देखा कि हमारे समूह की बहनें और परिवार की जरूरतों के लिए ही कर्ज लेती थी, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती थी। तो हमने यह निश्चित किया कि हम मिलकर एक उद्योग यानी व्यापार शुरू करते हैं, जिससे महाशक्ति की सारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो पाएं और उन्हें छोटे छोटे खर्चों के लिए भी पति के ऊपर ना निर्भर होना पड़े। बस दीदी, इस निश्चय के बाद हमने एक MFI से 20,000 रुपए का कर्ज लिया और उसी से मशरूम की खेती शुरू की। एक NGO ने हमें खूब अच्छा प्रशिक्षण दिया और हमने इस मशरूम को पास के शहर में भी बेचना शुरू किया। अब तो हमारे समूह का ये काम इतना सफल हो गया है कि एक बड़ी कंपनी ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है हर महीने 50 किलो मशरूम सप्लाई करने का। दीदी, अब तो हमने बैंक से कर्ज के लिए फॉर्म भरा है, पर सच कहें हमारे समूह ने इस सफलता की यात्रा में कुछ बहुत अच्छी बातें सीखी हैं, जैसे समूह का लेखा जोखा और बाही खाता हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। इससे पारदर्शिता आती है और पैसों को लेकर कुछ भी गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं होती। जब समूह का बही खाता सही तरीके से रखा जाता है तो वित्तीय संस्थाएं भी समूह को कर्जा आसानी से दे देती हैं। कर्जा वापस करने में अनुशासन रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर समूह अपने कर्ज की किश्तों को हमेशा समय पर देता है तो समूह का ऋण ब्यूरो में स्कोर भी अच्छा रहता है। समूह के पास अपना एक मोबाइल होने से हम कई वित्तीय काम मोबाइल से काफी जल्दी कर लेते हैं। अरे दीदी, एक और बात है जो मैं कहते हुए थोड़ा झिझकती हूँ, पर समूह में मिलकर काम करने से हमारी घर पे इज्जत बढ़ गई है। हमें भी अब अपनी हक की जानकारी है और हम भी घर की आमदनी बढ़ाने में हाथ बटा रहे हैं। हमारे पति अब घर के काम में भी हमारा हाथ बटाते हैं और बोलते हैं, तुम मशरूम की खेती पर ज्यादा ध्यान दो, ये चूल्हा चौका हम मिलकर कर लेंगे। दीदी, और जिन बहनों के पति घरेलू हिंसा करके उन्हें परेशान करते थे, उनकी भी हमने अपने सरपंच की मदद लेकर सहायता की। अब तो वो मर्द समझ गए हैं कि ये सरपंच या पुलिस वालों के पास चली जाएंगी, इन्हें सब पता है। हमारे महाशक्ति की बहनें अब सही मायने में सशक्त हुई हैं और अपने बेटियों को भी अपने जैसा सशक्त बना रही हैं। अरे जकिया और राधा, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। काश सारी महिलाएं तुम्ही लोगों की तरह अपना भविष्य खुद उज्जवल करें। महाशक्ति के बारे में सुन के तो हमारी हिम्मत बढ़ गई है कि हम भी कुछ ऐसा करें, पर एक बात समझ नहीं आई हमें। क्या बात समझ नहीं आई काकी? ये कि ऋण ब्यूरो क्या होता है? काकी, वित्तीय संस्थाएं, बैंक और माइक्रो फाइनेंस कर्ज लेने वाले की पूरी जानकारी कर्ज लेने से पहले ऋण ब्यूरो को देती हैं। ऋण ब्यूरो के पास सभी के नए पुराने ऋण की जानकारी होती है। इसके पास सभी तरह की जानकारी होती है, जैसे किसने कितना कर्ज लिया, कब लिया, कर्ज की किश्तें चुकाई या नहीं, देने में कोई चूक तो नहीं हुई इत्यादि। समझ गई, इसका मतलब है ऋण ब्यूरो कर्ज और कर्ज चुकताई की निगरानी करता है। ऐसा आप कह सकती हैं काकी, अब तो आप समझ गई ना? हाँ, समझ गई। अरे दीदी चलो ना, आज ग्राम सभा है। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। अरे ग्राम सभा में भला औरतों का क्या काम? कैसी बातें करती हैं काकी, अगर हम ग्राम सभा नहीं जाएंगे तो वहाँ हमारे मुद्दे कौन उठाएगा? याद है ना पिछली बार मुन्नी ने टॉयलेट यानी शौचालय का मुद्दा उठाया था तो हमारे गांव में शौचालय बन गया, नहीं तो हमारे गांव में एक भी शौचालय ना होता। ये तो मैं मानती हूँ कि मुन्नी ने बोला था तभी तो हम सबको शौचालय की व्यवस्था मिली है। काकी ग्राम सभा ही नहीं बल्कि सभी सार्वजनिक संस्थाएं जैसे बैंक, ग्राम पंचायत के ऑफिस, बाजार, इन सब जगह हमें जाना चाहिए, तभी तो हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे, नहीं तो हम अपने अधिकारों को कैसे जान पाएंगे। एकदम सही कहा धनवती, अपने अधिकारों को जाने, खुद भी सशक्त बने औरों को भी सशक्त बनाए। एकदम सही जाने। तो अपने अधिकारों के साथ साथ ऋण के बारे में आप लोग और क्या क्या जाने? हम आज बहुत कुछ जाने, यदि धन का होगा सही इस्तेमाल तभी जीवन होगा खुशहाल। एकदम सही जाने। हाँ, अपने अधिकार को जाने, खुद सशक्त बने औरों को भी सशक्त बनाए। तो चलिए फिर मेरे साथ दोहराइए।
बकड़बम में दो 80-90 पूरे 100 लाख टके की बात बताओ। हाँ हाँ दीदी जरूर बतलाओ। ग्राहक के अधिकार को समझो, कर्ज की शर्तों को पहचानो, शिकायत हो तो उसे दर्ज कराओ, तरीके समझो, सुरक्षित रहो। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 बन गए 150।